हम बना रहे हैं हिमाचली कचौड़ी। इसके लिए हमने ये आटा लगाया है। इस आटे में हमने ईस्ट डाला है या इसे दही से थोड़ा सा फुलाया जाता है। तो ये हमने ईस्ट डाल के लगभग 2-3 घंटे रखना है इसको, खमीर डाल के 2-3 घंटे इस आटे को रखना है। फिर ऐसे फूल जाता है आटा। इसको बहुत लूज भी नहीं करना है और बहुत टाइट भी नहीं रखना है। और ये उड़द की दाल पीसी हुई है, इसमें हमने गर्म मसाला डाला है, मिर्ची डाली है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है और नमक डाला है स्वाद अनुसार। अब चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हैं, वैसे हमें हल्दी पसंद नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसलिए हम नहीं डालते हैं, वैसे ही टेस्टी लगती है। तो फिर हमने इसका एक ये लोई बना दी आटे की। अब इसको हमने जब कचौड़ी बनानी तो बाहर नहीं निकलना चाहिए मटेरियल आपका, उसको क्या तरीका बनाने का साइड से। तो इसकी किनारे जो हम पतली करेंगे, ये देखिए ये किनारे हम पतली कर रहे हैं ये, और बीच में से इसको थोड़ा मोटा रखेंगे। तो देखना आप जरा भी ये दाल बाहर निकलती है। पीसे वो उड़द है जो दली है उड़द की, उसको हमने भीगने डाला था, शाम को भीगने डाला और सुबह उसको हमने छिलके निकाल के फिर पीस लिया। मिक्सी में पीसिए आप चाहे मशीन में पीसिए, फिर उसके बाद इसको मिक्स किया। इसको भी बहुत लूज नहीं करना है आपने, इसको मिक्स करना है एक ही तरफ को मिक्स करना है इस मटेरियल को, पर इतना लूज नहीं करना है, नमक डाल के लूज हो जाता है उड़द, बहुत लूज हो जाएगा तो ये बाहर निकलेंगे आपके। इसको हमने पूरा ही करना है पूरे हिसाब से, बहुत टेस्टी होती है कचौड़ी। फिर ये हमने ये बना लिया। अब देखिए ये किनारे पतली है ना, इनको हम ऐसे मिलाएंगे यूं करके, ऐसे ऐसे ये, और ये हमारी लोई बन गई तैयार। अब देखना आप ये मटेरियल, वैसे उड़द का बहुत मुश्किल होता है ना बाहर निकला, पर इस टेक्निक से बनाएंगे तो जरा भी आपका देखिए मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है हमारी कचौड़ी, देखिए जरा भी बाहर नहीं निकल रहा है कहीं से भी। वैसे मैक्सिमम लोग कहते हैं कि बाहर निकल जाता, पर नहीं, अगर आटा आपका बहुत लूज ना हो और बहुत टाइट भी ना हो पूरे हिसाब का हो, और उड़द भी बहुत लूज ना हो, तो अच्छी तरह से ये कचौड़ी हमारी बनती है। ये हिमाचली कचौड़ी है, इसको आप चाय के साथ लीजिए, चटनी के साथ लीजिए, अचार के साथ लीजिए, सफ़र में जाना हो तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी कचौड़ी तैयार है। ये हमने कचौड़ियाँ बना दी और ये हमने तेल गर्म कर दिया। अब इसको हम पकाएंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये डाल दिया हमने, अब ये हमने इसको ये बदला कचौड़ी को अच्छी तरह सेकेंगे हम दोनों तरफ से, ताकि अंदर से कच्ची न रहे बिल्कुल भी, दाल पक जानी चाहिए। इसको हम ऐसे ऐसे सेकेंगे बढ़िया से और काफ़ी अच्छी तरह से पकाएंगे। रोटी जब तक लाल ना हो तब तक ये कच्ची रहने की संभावना होती है। बहुत तेज आंच भी नहीं करनी, वैसे अभी तो हमने आंच तेज रखी क्योंकि तेल ज़्यादा, अगर तेल कम हो तो हम आँच थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि अगर बाहर से रोटी जल जाती है तो अंदर से कच्ची भी रह सकती है। ऐसे ये देखिए ये हो गई, ये कचौड़ी हमारी तैयार हो गई। हमारे हिमाचल में ऐसी कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं, इससे बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड है। बहुत टेस्टी होती है कचौड़ी, आप बना के खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए, और टेस्टी तो होती है, पौष्टिक भी होती है ये कचौड़ी हमारी। अब थोड़ा सा हम आँच कम कर देंगे और थोड़ा इसको पकने देंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। अब ये कचौड़ी हमारी तैयार है। हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसमें खमीर ही डाला है, ये आपने ध्यान रखना है। खमीर डाल के, खमीर ईस्ट डाल के इसको लगभग 2 घंटे के लिए रखना है। हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, वैसे 1.5 घंटे 1-1.5 घंटे में भी हो जाएगा आटा, पर हमारे यहाँ ठंडा मौसम इसलिए 2 घंटे लगभग लग ही जाते हैं आटे के लिए। सर एक और आ जाओ।